अब बात करते हैं पहलवान रवि दहिया की। दहिया को दांत काटे जाने का मामला गर्म होता जा रहा है। एबीपी न्यूज ने मुहिम शुरू की है कि दहिया को इंसाफ मिले। सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान ने दहिया के हाथ में दांत काट लिया था। अब इसको लेकर सहवाग ने भी आवाज उठाई है और दहिया के साथ इसे नाइंसाफी बताया है। तो सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान ने दांतों से काट लिया था रवि दहिया को और अब ये मामला गर्म होता जा रहा है। इस मामले पर एबीपी न्यूज ने मुहिम शुरू की है कि दहिया को इंसाफ मिले। ये वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को चिंता के गहरे सागर में धकेल दिया है। कजाकिस्तान के पहलवान नूर इस्लाम सनायेव को रवि कुमार दहिया ने अपने फौलादी दाव में जकड़ लिया था। नूर इस्लाम ने दाव छुड़ाने के लिए वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी खिलाड़ी से कतई नहीं की जा सकती। नूर इस्लाम ने रवि के दाहिने हाथ पर कोहनी के पास इतनी जोर से काटा कि इतना गहरा निशान बन गया कि सामान्य इंसान होता तो हाथ ही नहीं उठता। वो तो रवि दहिया जैसा जीवट वाला खिलाड़ी था कि इतनी जोर से काटने के बावजूद उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की और कजाकिस्तानी पहलवान को चित कर फाइनल में जगह बनाई। नूर इस्लाम ने रवि को कितनी जोर से काटा और वो कितने दर्द में होंगे इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कजाकी पहलवान को चित कर फाइनल में जगह बनाने की खुशी, कम से कम सिल्वर मेडल पक्का करने की खुशी, देश के लिए गोल्ड जीतने का मौका मिलने की खुशी, इन सब का जश्न मनाने के बजाय वो सीधे रेफरी के पास पहुंचे शिकायत करने। जबकि भारतीय खेमे में जश्न शुरू हो चुका था लेकिन रवि इतना दर्द में थे कि उनके चेहरे पर जश्न से ज्यादा दर्द देखा जा सकता था। कजाकिस्तान के पहलवान ने करीब 20 सेकंड तक रवि को इस तरह काटा, रवि के दाहिने हाथ की चमड़ी तक खिंच गई। लेकिन देश को मेडल दिलाने का रवि का जज्बा इस दर्द को तो सेमीफाइनल में सह गया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फाइनल में इसका असर दिखेगा। फाइनल में पहुंचने के बाद जब रवि का हाल जाना गया तो सपोर्ट स्टाफ ने बताया, जब रवि रिंग से उतरे तो बेहद दर्द में थे, हमने उन्हें तुरंत आइस पैक लगाया, अब दर्द कम है, वो फाइनल के लिए पूरी तरह से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि फाइनल में उतरेंगे तो फिलहाल दर्द कम है, लेकिन डर ये है कि अगर रात में दर्द बढ़ गया या फिर सूजन हो गई तो क्या होगा। सवाल कई हैं जिनका जवाब अभी पता नहीं है। क्या रवि का दाहिना हाथ पहले की तरह मजबूत रहेगा? दर्द बढ़ा तो क्या रवि कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? दांत काटने की वजह से सूजन बढ़ गई तो क्या होगा? क्या चोट की वजह से रवि फाइनल में पूरी ताकत से लड़ पाएंगे? रवि का फाइनल मुकाबला दोपहर 2:45 पर रूस के जावुर युगुयेव से है। 26 साल के जावुर युगुयेव 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में 2018 और 2019 में दो बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। पिछड़ने के बावजूद आखिरी मिनट में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को धूल चटाने के बाद रवि दहिया इस बार ओलंपिक में गोल्ड के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। खतरा यही है कि कहीं सेमीफाइनल की चोट फाइनल में हावी ना हो जाए। अभी तक ऐसी खबर नहीं आई है कि भारत ने सेमीफाइनल में दांत काटने को लेकर कजाकिस्तान के पहलवान की शिकायत की है, क्योंकि अगर शिकायत हुई तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई तय है। आर्टिकल 48 के मुताबिक कुश्ती के दौरान कान, बाल या शरीर पर कोई अंग खींचना, काटना, उंगलियां और टखना मोड़ना प्रतिबंधित है। दोषी पाए जाने पर खिलाड़ी को डिस्क्वालिफाई या चेतावनी देने का प्रावधान है। इस समय पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि रवि की चोट ठीक हो और वो पूरे देश के लिए गोल्ड का तोहफा लेकर आए। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब खेल भावना के विपरीत ऐसी कोई हिंसक घटना हुई है। दुनिया में इससे पहले हुई ऐसी ही कुछ चर्चित घटनाओं के बारे में जान लेते हैं मलिका से। निश्चित तौर पर खेल के मैदान में इस तरह की घटनाएं चौंकाने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेल के मैदान पर इस तरह की ये पहली घटना है। आइए देखते हैं कि इससे पहले कब कब इस तरह की घटनाएं हुई हैं। सुशील कुमार की बात कर लेते हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान का कान सुशील कुमार ने काटा था। सुशील मुकाबला जीत तो गए थे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। माइक टाइसन की अगर बात करें तो 1997 में बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान इवांडर होलीफील्ड का कान काटा था और टाइसन मैच से निलंबित कर दिए गए थे, उनका लाइसेंस भी छीन लिया गया था। लुइस सुआरेज की अगर बात करें तो उरुग्वे के फुटबॉलर हैं। 2014 विश्व कप का मुकाबला था और उस दौरान इटली के खिलाड़ी जॉर्जियो को उन्होंने
काट दिया था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फीफा ने 9 मैच के लिए प्रतिबंध लगा दिया था लुइस सुआरेज पर। जिनेदिन जिदान की अगर बात करें तो फ्रांस के फुटबॉलर रहे हैं। 2006 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था, जब इटली के खिलाड़ी को सर से उन्होंने मारा था, रेड कार्ड दिखाकर उन्हें खेल से निकाल दिया गया था। जाहिर है, जब तक ऐसे खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, इस तरह की घटनाएं नहीं तो नियम तोड़ने पर सजा भी मिलती है। शुक्रिया मलिका इन तमाम अपडेट्स के लिए। दहिया गोल्ड के बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन रवि दहिया के लिए ये सफर आसान नहीं रहा। देखिए कैसे तपकर आज दहिया सोने की तरह चमक रहे हैं। अपनी मेहनत से दहिया ने ये सफर तय किया। ओलंपिक के मंच पर उम्मीदों के आंगन में सपनों की सुनहरी बेल चढ़ाने वाले रवि दहिया के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गोल्ड मिलने की आहट से नाच रहा है। लेकिन आज आपको मिलवाएंगे उन किरदारों से, हौसलों की उन दीवारों से, कुर्बानियों के उन अफसाना निगारों से, जिनकी बदौलत सूर्योदय के देश में हिंदुस्तान की उम्मीदों का रवि उगा है। ये है वो चेहरे जिन्होंने रवि दहिया को हिंदुस्तान की उम्मीद बनाई है। ये है वो माली अपने खून पसीने से सींच कर रवि दहिया को उम्मीदों का अमरबेल बना दिया। जब मुश्किलों की चादर के नीचे पलने वाले ख्वाब दिन के उजाले में आते हैं, तो छालों भरे कदम खुद ब खुद यूं थिरक उठते हैं। ये है रवि दहिया के पिता राकेश। इन्होंने किस मुश्किल से रवि को पाला, पहलवान बनाया, इसकी वानगी सिर्फ ये एक तस्वीर दे देगी। पसीने से भर देने वाली उमस भरी दोपहरी में भी प्लास्टिक में लपेट कर रखे हुए नोटों में से कांपती उंगलियों से 100 रुपए निकालने की ये जद्दोजहद बताती है कि इस परिवार के लिए 100 रुपए कितना कीमती है। बेटे के फाइनल में पहुंचने पर जब गांव वालों के साथ बैंड वाले आए, तो पिता ने मानो हवा में ही बेटे की नजर उतार कर 100 रुपए दे दिए कि फाइनल में उनके बेटे को सुनहरा होने से कोई रोक ना सके। हमारे को जी पूरा उनके गुरु हैं और कोच हैं और हमारे गाँव वासियों जी सब की कृपा से गोल्ड मेडल आएगा जी। हरियाणा में महज 7,000 की आबादी वाला ये नहरी गांव जश्न में सराबोर है, क्योंकि रवि की ये जीत उनकी तमाम मुश्किलों से पार देखने का दूरबीन है, जिससे उनके भी बच्चों का भविष्य सुनहरा दिखाई देता है। हमारे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि रवि दहिया गोल्ड मेडल लेके आएगा और गांव उसकी तैयारियों में काफी लगे हुए हैं। घर के नीचे पुरुषों का जश्न चल रहा है, तो कुछ सीढ़ियों ऊपर कुछ नम आंखें गुपचुप बेटे के लिए दुआएं मांग रही हैं। ये रवि की माँ उर्मिला दहिया है। पहले 9 महीने तक बेटे को पेट में पाला, अब पिछले कई सालों से बेटे का सपना अपनी आंखों में पाल रही है। जब पूछा कि बेटे से पिछली बार कब मिली थी, तो बोलते समय जुबान लड़खड़ाई और देखते समय आंखें डबडबा गई। बात हो पाई है रवि से? 1 महीना हो गया। इसीलिए और लग रहा हो कि बेटे से बात नहीं हो पाई, पर बेटा जीत के आ रहा है, इससे ज्यादा खुशी आपके लिए? बहुत खुशी हो रही है, ये हमारा गोल्ड मेडल लेकर आएगा। आपने मैच देखा? मैच देखा। उस समय तो सांसें अटक गई होंगी आप? और अटक गई होगी, बस हो गया, मंगा पड़ गया। मैं देख रही हूँ आप रोने लगी है याद करके बेटे को। माँ से कुछ ही दूर पर सुबह से नाचते नाचते थक कर कुर्सी पर बैठी दादी को तो मानो पोते ने तख्ते ताउस दिला दिया हो। चेहरे पर हंसी चिपकी है, जुबान पर हर किसी के लिए आशीर्वाद झड़ रहा है। इतनी थी क्या खुशी बेटी? खूब खुशी, खूब नाची और सारे गांव ना खुशी, सारे देश ना, सारे हरियाणा ना, इंडिया में खुशी बेटी की। मैं तो 1 साल तक नाचूंगी। रवि के परिवार और आर्थिक तंगी का चोली दामन का साथ रहा है। पिता किसान है, लेकिन जमीन 1 एकड़ से भी कम। खेती से किसी तरह परिवार पलता, लेकिन बेटे का सपना पालने के लिए पिता रोज गांव के छत्रसाल स्टेडियम तक बेटे को घर का निकाला दूध और घी पहुंचाने जाते थे, और ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है, ताकि जिंदगी की पथरीली राहों पर बेटा कमजोर न पड़े। उतनी मेहनत तो आप लोगों ने भी की उनको तैयार करने में, उनको आगे बढ़ाने में। मेहनत करी, इसने दूध भेजे उसके लिए, रोज सुबह निकाल निकाल कर, इसके पापा दूध दे कर रोज।
पिता 30 किलोमीटर दूर बेटे को दूध पहुंचाते थे। आज बेटा हरियाणा से करीब 6000 किलोमीटर दूर टोक्यो से पिता के लिए गोल्ड पहुंचाने आएगा। ABP News आपको रखे आगे।